तो गाइस तुम सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ फ्लिपिंग करके, और साथ में तुमको बताऊंगा कि मेरे को जो है फ्लिपिंग करने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ है, वो भी प्रूफ के साथ। सो वीडियो को जरूर से एंड तक वॉच करना। एंड गाइस अगर तुम भी चाहते हो मेरी बुन आइटम्स पर फ्लिप करना, तो वीडियो को जरूर से एंड तक वॉच करना, जिससे कि तुम्हें पता चले कि मैंने कौन सी आइटम्स पर जो फ्लिपिंग की है। वेल गाइस अभी हम बिना देरी के इस वीडियो को कर दे स्टार्ट। बट उससे पहले अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो जरूर से कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं हम 14 लाइक्स का। आई होप कि तुम कंप्लीट करवा दोगे। और ऑल्सो अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। वेल अभी हम बिना देरी के वीडियो को कर देते स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस हमारी जो फ्लिपिंग की शुरुआत करते हैं वो करते हैं हम बाजार से सबसे पहले। ओके ऑलराइट गाइस, तो ये रहा हमारा बाजार का एनपीसी। एंड अब मैं जो इस पे राइट क्लिक करता हूँ, और सबसे पहले जो हम फार्मिंग में चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे जो बहुत सारे आइटम्स हैं जिसको कि हम फ्लिप कर सकते हैं। सो सबसे पहले चलते हैं हम फटाफट से फार्मिंग में। ऑलराइट मित्रों, हियर यू कैन सी अभी मैं जो गार्डन में चलता हूँ फटाफट से। एंड यहाँ पर जो है मैं कुछ स्क्वीज या फिर कॉपी में से दोनों में से कोई एक आइटम्स पे जो है पैसे लगा देता हूँ, जिससे कि अगर वो मेरे सेल ऑफर में जो है फील हो जाए तो मैं उनको फिर जो है बाय ऑर्डर में लगा दूंगा। पहले अभी तुम देख सकते हो यहाँ पर क्रेट सेल ऑफर और साथ में क्रेट बाय ऑर्डर भी है। सो यहाँ पर मैं जो फटाफट से लगा देता हूँ इस पर थोड़ा सा पैसा, वो भी 8 के लिए। पैसा ही पैसा हो गया। ऑलराइट गाइस, अब मैंने जो टॉप ऑर्डर प्लस पे जो है लगा देता हूँ इन पूरे 8 पीस को, जिससे कि जब भी ये फील हो तो मेरे को मिल जाए, बिकॉज ये जो कम प्राइस में मेरे को मिलेंगे। वेल अगर जो है तुम डायरेक्ट जो है 5% की स्पीड पे लगाते हो तो तुमको जो है सेम प्राइस पे मिलते, जो कि जो बाय ऑर्डर की होती है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वेल गाइस अभी के लिए मैं जो कॉम्बैट सेक्शन में आ चुका हूँ। एंड यहाँ पर जो अभी मैं फटाफट से इसमें भी जो है कैटाकॉम्स में जाके जो है और पैसा लगा देता हूँ, जो कि मेरे पास टोटल 9 मिलियन, आई थिंक सो 9 मिलियन मेरे पास अभी बचा है, बिकॉज मैंने जो टोटल 10 मिलियन कॉइंस लिए थे। इसलिए वेल यहाँ से अपन बाय कर लेते टोटल 3 किस्मत फेदर को, जो कि मुझे आई थिंक 3 मिलियन के पड़ जाएंगे, जिससे कि मेरा अच्छा खासा जो है प्रॉफिट बन जाएगा। वेल अभी आप देख सकते हो मैं जो यहाँ पर टॉप ऑर्डर पर जो है एक कॉइन को लगा के प्लस कर रहा हूँ। वेल ये जो मैंने ये भी लगा दिया। एंड बाकी तो अभी कॉम्बैट में कुछ चीज़ें नहीं है जिसपे कि मैं पैसा लगा सकूं। वेल यहाँ पर जो है और भी चीजें हैं, जैसे कि फ्रेगमेंट्स एंड मॉब ड्रॉप्स वगैरह, जो कि स्पेशल फ्रेगमेंट्स भी होते हैं, जो कि तुम्हें फ्लोर 7 के बॉस से मिलते हैं। बट ये जो है थोड़ा मेरे बजट के बाहर चला जाएगा, इसलिए जो है मैं इस पर नहीं लगाता हूँ। वेल अगर हो सका तो मैं थोड़े और पैसे भी जो है लगा दूंगा, 10 मिलियन से ज्यादा। वेल अभी अपन चलते नेक्स्ट स्टेशन की ओर। व्हाट मेरा मतलब है दूसरी कैटेगरी में। वेल अभी अपन चलते हैं फटाफट से ऑडिटीज में, बिकॉज यहाँ पर ही हमारा जो मेन चीज़ स्टार्ट हो रही है। वेल यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर तुमको बहुत सारे आइटम्स मिल जाएंगे। वेल यहाँ पर एक सुपर कॉम्पैक्टर 3000 भी है, जिसपे कि अभी हम पैसा नहीं लगा सकते। वेल अभी हमको जो है जो ऐसी चीज़ें खोजनी पड़ेगी जो कि सेल भी होती हो एंड साथ में क्रिएट और बाय ऑर्डर में भी जो है लग जाए। वैसे तो बूस्टर कुकी भी है, बट मेरे को जो है और आइटम्स पर पैसा लगाना है, जिससे कि मेरा जो है हर जगह पैसा लगे। एक ही चीज़ पर लगाऊंगा तो मेरा मे बी लॉस हो सकता है। तो तुम भी ऐसा ही करना कि जो है अलग अलग चीज़ों पे लगाओ। वेल यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर जो है मॉडिफायर्स में भी बहुत सारे आइटम्स है, बट ये जो अभी मेरे बजट में नहीं है, इसलिए मैं जो इन पे नहीं लगाने वाला हूँ। मेरा जो बजट है वो 10 मिलियन से 20 मिलियन तक ही मैं रखने वाला हूँ। वेल गाइस अभी के लिए मुझे जो एसेंस में एक आइस एसेंस भी मिला है, जिसकी प्राइस जो है अभी के लिए जो बहुत कम चल रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस पर भी थोड़ा सा पैसा लगा दूँ, जिससे कि मुझे जो है आगे चल के अगर कोई इसकी ज़्यादा प्राइस बढ़ जाती है तो मेरे को जो ये प्रॉफिट में मिले। और अभी के लिए मेरे पास कॉइंस नहीं है, तो मैं थोड़ी कॉइंस निकाल देता हूँ बैंक से। ऑलराइट गाइस, सो मैंने जो है 64 आइस एसेंस के लिए भी 2 मिलियन पे कर दिए। एंड होप कि ये जो मेरा ऑर्डर है फिल हो जाए, जिससे कि मेरे को प्रॉफिट भी मिल जाए। वेल यहाँ पर जो अभी मैं जो बुक्स में आ चुका हूँ, एंड बुक्स में मेरे को मेन चीज़ जो है अभी देखनी है कि कौन सी बुक्स जो ज़्यादा सेल होती है एंड साथ में लोग उसको सेल करते हैं, जिससे कि मेरा बाय ऑर्डर भी भर जाए। वैसे तो अभी के लिए जो है 100 लीटर है, जो कि ज़्यादा जो है सेल भी होती है एंड साथ में लोग इसको सेल भी करते हैं, बिकॉज 100 लीटर जो है डंजन्स में ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉप होती है। और ऑल्सो ये जो है हर कॉम्बो, मतलब जो हर वो में तुमको मिल जाएगी। वेल अभी के लिए मैं जो थोड़े बहुत कॉइंस निकाल देता हूँ एंड देन आपसे मिलता हूँ। ओके ऑलराइट मित्रों, सो अभी हम जो फटाफट से 2 सेल लीटर की बुक्स के लिए जो है बाय ऑर्डर लगा देते हैं, जिससे कि ये जब भी सेल हो जाए तो हम जो इसको कंबाइन कर देंगे जो है 2 कर देंगे एंड इसकी जगह जो हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। वेल अभी के लिए मैंने इसको लगा दिया, वो भी 6 मिलियन कॉइन्स की प्राइस में। वेल अब हम जो है करते क्या है, अब हम करते हैं वेट। एंड वेट करने के बाद मैं तुमको बताता हूँ प्रूफ के साथ कि मेरे को जो है कितना प्रॉफिट होगा। बट उससे पहले अभी हम जो है ऑक्शन में जाते हैं एंड उस पर भी थोड़ा सा पैसा खर्च कर देते हैं, बिकॉज यू नो आई एम वेरी रिच पर्सन। अब ये कौन है बे? वेल गाइस ऑक्शन में पैसा लगाने से पहले मेरे पास कुछ बीट्स पड़े हैं, तो उसकी जगह जो है हम बाय कर लेते किस्मेट फेदर को एंड लगा देते इनको बाजार में, जिससे कि मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाए।
ऑलराइट सो मैंने जो इनको 10% की स्पीड के साथ लगा दी है बाजार में एंड 36 मिलियन पे ये लग चुके हैं। सो आई होप कि ये सेल हो जाएगी, वैसे तो ये हो ही जाएगी। वेल अब हम बढ़ते हैं ऑक्शन की तरफ। ऑलराइट गाइस, सो अभी मैं जो ऑक्शन में आ चुका हूँ एंड अभी मैंने जो इसको लोएस्ट पिन पर सेट कर दिया है एंड अब मैं जो यहाँ पर आइटम्स खोजना चालू कर देता हूँ कि ऐसी कौन सी आइटम्स है जिसपे कि मैं अगर पैसा लगाता हूँ तो मेरे को प्रॉफिट जो है आगे जाके फ्यूचर में पक्का मिलेगा। वेल यहाँ पर मैं जो अभी थोड़ी बहुत आइटम्स खोज रहा हूँ एंड आई नो कि तुम इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो बट तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो क्या करो यार, कर दो। वेल अब चलते वीडियो की तरफ। ऑलराइट गाइस, थोड़ा बहुत खोजते खोजते मेरे को जो एक आइटम मिल चुकी है जो कि है गॉड पोशन एंड इस पर आई नो कि थोड़ा अगर मैं पैसा लगा देता हूँ तो मेरे को ऑब्वियसली फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, इसलिए मैं जो अभी थोड़ा बहुत इस पर भी पैसा लगा रहा हूँ और 2 गॉड पोशन या फिर 1 गॉड पोशन बाय कर देता हूँ एंड साथ में और भी आइटम्स पर जो है पैसा लगा देता हूँ। ऑलराइट सो मैंने जो अभी 1 गॉड पोशन बाय कर दी है एंड अभी इसको एक सेकेंड आई थिंक और भाई 2 मिलियन का नुकसान हो गया। वेल गाइस, अभी के लिए जो मैं जो हूँ रिपेयर आर्म में भी थोड़ा पैसा डाल रहा हूँ जिससे कि मेरे को जो है इसमें भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है बिकॉज ये जो है जल्दी से जल्दी सेल हो जाता है जब भी एट्रॉक्स आता है। और यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर जो एक लेगिंग्स मिल जाए जो कि 40 मिलियन की है। वेल इसको मैं परचेस कर देता हूँ जो कि है 4.9 के किल्स वाली एंड उसके आगे जो एक और है वो जो कि 2.5 के किल्स वाली है। वेल ये जो 16 मिलियन की है तो ये जो मैं परचेस नहीं करूँगा, उसकी जगह वो कर देता हूँ एंड अब जो मैं इसको अगेन जो है ऑक्शन पर लगा देता हूँ वो भी इसके प्राइस पर जिससे कि लोग जो है इसको इसकी जगह जो है मेरी जो है लेगिंग्स को खरीदे। ऑलराइट गाइस, सो मैंने जो अभी मेरी लेगिंग्स को जो है लगा दिया ऑक्शन पे एंड अब तुम देख सकते हो ये जो मेरा पूरा जो है फ्लिपिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पर जो मेरे पास एक कॉर्ड पोर्शन रखी है ये मैं इसको जो है बाद में ऑक्शन पे लगा दूंगा। वेल गाइस, ये जो मेरा पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है एंड मैंने तुमको दिखा दिया कि कौन कौन से आइटम पे जो है मैंने जो है पूरे लाइक जो अपने कॉइन्स होते हैं वो जो है किन किन आइटम्स पे लगाए हैं। वेल अब मैं तुमको बताता हूँ कि मेरे को जो इन आइटम से प्रॉफिट कितना हुआ है। ऑलराइट गाइस, सो मैंने जो है 2-3 आवर्स के बाद अगेन गेम को लॉगिन कर दिया है एंड अब मैं तुमको बाजार में जाके जो है दिखा देता हूँ कि मेरे को जो है कौन से मेरे ऑर्डर्स फिलअप हो चुके हैं एंड कौन से सेल हो चुकी है जो कि मैंने किस्मत फैजल लगाए थे। चल यहाँ पर तुम देख सकते हो ये रहा हमारा बाजार एंड अब तुम यहाँ पर जो मेरे मैनेज ऑर्डर्स में देख सकते हो कि मेरे पास तो टोटल 13 आइटम जो है क्लेम करने के हैं एंड साथ में 13 मिलियन भी है। वेल ये तो मेरे 13 मिलियन वो तो मैंने जो है खरीदे थे वो किस्मत फैजल के एंड बाकी यहाँ पर तुम देख सकते हो क्रॉपी के जो मेरे पूरे के पूरे आइटम्स भर चुके हैं, किस्मत फेदर भी पूरे भर चुके हैं, साथ में 100 लीटर भी पूरी भर चुके हैं। मींस कि मेरे को जो अब प्रॉफिट अच्छा खासा होने वाला जब भी मैं इनको सेल करूंगा एंड साथ में इनके किस्मत फेदर का भी जो है मेरे को प्रॉफिट हो चुका है जो कि 13 मिलियन का है वैसे और बाकी है इनसे जो मेरे को और भी प्रॉफिट होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ऑलराइट गाइस, तो तुमने जो मेरी फ्लिपिंग का पूरा प्रोसेस देख लिया एंड आई होप कि तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना एंड चैनल पे नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए और साथ में वो बेल आइकन भी दबा देना। वेल मैं मिलता तुमको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।